नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। देखिए, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और उससे पहले बोकारो, चंदन क्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरह से कहा जाए, अगर रांची की बात करें तो रांची में पूरी तरह रांची मोदी मय हो चुका है और मोदी रांची में मोदी और मेगा रोड शो की हम चर्चा करेंगे और सुरक्षा की भी बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएँ की गई है। हमारे साथ रांची से संवाददाता रत्नेश जुड़ चुके हैं, रत्नेश से हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो काफ़ी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो खुद भी लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो काफ़ी अहम माना जा रहा है यहाँ 2024 के विधानसभा चुनाव में, और भारी संख्या में लोगों का महाजुटान होगा, महा मेगा रोड शो हो रहा है यहाँ पर। हम सीधे रत्नेश से जुड़ेंगे। रत्नेश, किस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो जब शुरू होगा OTC ग्राउंड से रातू रोड चौक तक, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां पर क्या तमाम व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, रत्नेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 12:45 में वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से वो बोकारो चले जाएंगे। बोकारो में अमर बावरी के पक्ष में चंदन क्यारी में जो है उनकी सभा होगी। उसके बाद जो है वो वहाँ सीधे चंदन क्यारी चले जाएंगे। वहां से फिर वो देर शाम 4:55 पर रांची पहुंचेंगे, रांची एयरपोर्ट से फिर वो हेलीकॉप्टर से जो है रांची के OTC मैदान पहुंचेंगे। OTC मैदान से जो उनका रोड शो है वो 3 किलोमीटर का रोड शो है। रोड शो करीब OTC मैदान से जो है आपको रातू रोड न्यू मार्केट चौराहा तक है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 4000 पुलिस बल की तैनाती जो है मोदी के रोड शो में तैनात किए गए हैं। वहीं 11 DSP रैंक के अधिकारी जो है उनकी सुरक्षा में तैयार रहेंगे। तो वहीं चार जिले के SP को भी राजधानी रांची में तैयार किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बैरिकेडिंग जो है रोड पे कर दी गई है। इसी सड़क मार्ग से नरेंद्र मोदी का जो काफिला है कारकेड, वो इसी सड़क मार्ग से न्यू मार्केट चौराहा तक जाएगा। तमाम जगह पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करेंगे। सभी जगह आप देख सकते हैं किस तरह से मोदी का जो कैटलॉग है वो लगाया गया है, कटआउट लगाया गया है। नरेंद्र मोदी अभिनंदन, नरेंद्र मोदी स्वागत। आपको बता दें कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ था तो रातू रोड जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और पिछले बार सबसे कम प्रतिशत जो मतदान हुआ था वो भाजपा के पक्ष में हुआ था। तो इसलिए भाजपा चाहती है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर चुनावी मैदान में राजधानी रांची में उतार कर किस तरह से रातू रोड में भाजपा के पक्ष में ज्यादा जो है वो मतदान करे। रांची से भाजपा के प्रत्याशी CP सिंह है, उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल सांसद संजय सेठ जो है रांची के सांसद है, कल पूरे सुरक्षा का वो खुद जायजा लिए थे। खुद OTC मैदान से रातू रोड तक वो पद यात्रा किए थे अपने समर्थकों के साथ कि किस तरह से सुरक्षा जो है उनकी, क्योंकि सुरक्षा में कोई तरह का चूक ना हो, तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस बल जो है यहाँ पर मोदी की सुरक्षा में पहुंच रहे हैं। तमाम जो भाजपा के झंडा है वो लगा दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो है सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो अभी भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री का आज रांची में रोड शो है, कितने उत्साहित हैं? पूरा रांची उत्साहित है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज संध्या रांची के इस भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पे होने जा रहा है। और देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए अपने प्रधानमंत्री को, और कितना उत्साह है महिलाओं में, बच्चों में, ये देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का रांची में रोड शो है, पिछले बार 2019 का जब चुनाव हुआ था तो भाजपा का गढ़ माना जाता है रातू रोड, पिछले बार सबसे कम मतदान जो है भाजपा को रातू रोड से हुआ था। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कितना वोटों में अंतर पड़ेगा? देखिए, वोट की बात तो कहना ये बेवकूफी होगा, ये मतदान है और ये जनता अपने मन से ये स्पष्ट करती है कि हमें किसे मतदान करना है। और आज यहाँ वोट की तैयारियों के लिए मोदी जी नहीं आए हैं, मोदी जी यहाँ अपने परिवार जनों से मिलने के लिए आए हैं। अपने परिवार जनों से मिलकर अपने परिवार जनों का हाल चाल जानेंगे और देख सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल है ये। चलिए, तो परिवार जन से मोदी अपने यहाँ पर मिलने पहुंच रहे हैं, रोड शो पहुंच करने के लिए पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी का रांची में आज रोड शो है, रांची में आगमन हो रहा है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में हुआ था,
चार महीना के अंतराल में मोदी जी का दूसरी बार ये रोड शो हो रहा है, कितना उत्साहित है? उत्साह का तो कमी नहीं है किसी भी कार्यकर्ता में, आप देख सकते हैं, आप देखिए, मतलब एक अलग उत्साह है। और मोदी जी एक विश्व के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, अभी हैं भी, तो उत्साह का कोई कमी नहीं। और कार्यकर्ता जोश से उनका स्वागत करेंगे, वो अपने परिवार से मिलेंगे और भाजपा सरकार झारखंड में बनेगी ही बनेगी। जी बिल्कुल, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो आप देख सकते हैं पुलिस के वरीय अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या फिर सिटी एसपी रांची या एसएसपी रांची, तमाम जो पुलिस के वरीय अधिकारी है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नगर निगम की टीम जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। रोड की साफ सफाई की अगर बात की जाए तो लगातार नगर निगम जो है पिछले 2-3 दिन से जो है तैयारियों में जुट गई थी, या फिर भाजपा कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित है। वहीं नरेंद्र मोदी आपको बता दे कि 4-5 महीना के अंतराल में दूसरी बार राजधानी रांची में रोड शो करने जा रहे हैं। राजधानी रांची में सीपी सिंह के पक्ष में वो रोड शो करेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से बैरिकेड जो है वो कर दी गई है और तमाम जो बैरिकेड के उस पार जो है उनके समर्थक भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो का जो संगठनात्मक ताकत है और बीजेपी के जो ताकत है उसका रोड शो, उसका प्रदर्शन है एक तरह से कहा जाए तो। क्या इसमें कई बड़े नेता सभी मौजूद रहेंगे जो झारखंड के नेता हैं, सभी एक साथ मौजूद रहेंगे? और कौन कौन नेता यहाँ इस रोड शो में मौजूद रहेंगे इसकी भी चर्चा दर्शकों को बताइए। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बता दें कि राज्य रक्षा मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ जो हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि सूचना ये भी है कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जो हैं वो भी साथ हो सकते हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह के अलावा जो हटिया के विधायक प्रत्याशी नवीन जायसवाल जो है वो साथ हो सकते हैं। कांके के विधायक प्रत्याशी जीतू चरण राम जो है वो साथ हो सकते हैं। तमाम ऐसे कई भाजपा के दिग्गज हैं जो झारखंड के आज राजधानी रांची में जो नरेंद्र मोदी का रोड शो है उसमें मौजूद हो सकते हैं। खबरें ये भी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा चुनाव के प्रभारी हैं वो भी यहां पर साथ में नरेंद्र मोदी के साथ जो है जिस कार्केट में जिस रथ पर नरेंद्र मोदी सवार होंगे उस रथ पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो मौजूद रहेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। सभी लोग जो है किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का रांची में जो आयोजन है किस तरह से सफल हो वो किए जाए। लगातार एसडीएम आपको देख रहे होंगे, एसडीएम जो है उत्कर्ष कुमार रांची के एसडीओ हैं और वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लगातार आप दूसरी ओर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गेट पर जो है वो जांच करके ही आप यहां बैरिकेटिंग के उस पार आ सकते हैं। लगातार एसपी जी जो है वो सुबह से यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार अपने सुरक्षा घेरे में जो है इस रातू रोड के इलाके को जो है अपने हाथ में ले ली है। लगातार एसपी जी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीएम जो है रांची के उनके साथ जो है एसपी जी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी मीडिया कर्मी को भी वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर जो है वो अलाउ किया गया है कि आप यहाँ पर कवरेज करें। लगातार अगर आपको बात की जाए तो जो भी वॉलंटियर जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो जवान 4 जवान तैनात किए गए हैं सारे लोगों को वॉलंटियर पास दिया गया है, क्योंकि बिना वॉलंटियर पास के जवान भी जो है यहाँ पर तैनात नहीं रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी का लगभग ये 3 किलोमीटर का ये रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग रोड शो पहुंचेंगे। दर्शकों को ये भी बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे के आसपास में पहुंचेंगे रांची एयरपोर्ट, उसके बाद वहां से सीधे जाएंगे बोकारो के बाद वो चंदन क्यारी में भी जनसभा करेंगे, उसके बाद गुमला में भी जनसभा है और उसके बाद 4 बजे के आसपास की बात हो रही है इसी आसपास में प्रधानमंत्री का रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा। रत्नेश, अगर बात करें कि वहाँ पर किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बीच बीच में होते हैं, बीच बीच में स्वागत के लिए भी जो है पुष्प वर्षा भी की जाती है, लोग अपने घरों से पुष्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेंकते हैं, किस तरह से वहाँ पर आप देख रहे हैं जगह जगह में किस तरह से तैयारियाँ की गई है? देखिए अनिल, ओटीसी मैदान से लेकर न्यू मार्केट चौराहा तक आपको 3 किलोमीटर का यह रोड शो है। 3 किलोमीटर के दायरे में करीब आपको बता दें कि 12 से 15 ऐसे जगह हैं जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है मंच बनाया गया है, वहां से
अपने प्रधानमंत्री का जो है वो स्वागत किया जाएगा। कई जगह पर झारखंड की जो संस्कृति नृत्य है वो कराई जाएगी। कई जगह पर जो है नरेंद्र मोदी का जो एक चेहरा बना हुआ जो कटआउट होता है लोग लगाकर उनका स्वागत करेंगे। और लगातार जो आपको बता दें कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, अगर पिछली बार जब संजय सेठ के पक्ष में यहाँ से रोड शो करने पहुंचे थे राजधानी रांची के भारत माता चौक से रातू रोड तक वो रोड शो किए थे, और करीब वहां पर जो सैकड़ों समर्थक थे भाजपा कार्यकर्ता के अलावा जो आम पब्लिक है वो भी अपने प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए सड़कों पर आए थे। और ये रातू रोड का इलाका है, 5 लाख से 6 लाख की आबादी है रातू रोड में। 5 लाख 6 लाख की आबादी के अलावा झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता जो है वो रांची पहुंच रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के अगल बगल इलाके की बात की जाए तो 30,000 से अधिक बाइक से जो है बाइक रैली के माध्यम से लोग रांची पहुंचेंगे अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के। तो भीड़ जो है करीब 10 लाख से ऊपर जाएगी, और 10 लाख का भीड़ जो है उसको किस तरह से कंट्रोल में किया जाए अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, तो उसके लिए 4,000 जवान की तैनाती की गई है। वहीं 4 DSP 11 DSP रैंक के अधिकारी जो है वो तैनात किए गए हैं। वहीं 4 जिलों के SP को राजधानी रांची में PM की सुरक्षा में लगाई गई है। PM नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है बैरिकेडिंग तो दो दिन पहले से ही दिख रहा है कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो कई गलियां हैं उसको भी बैरिकेडिंग से रोका गया है कि जो लोग हैं उसी गली से ही प्रधानमंत्री को देखें। ऐसे कई कट को भी वहां पर बैरिकेडिंग के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। ये भी दर्शकों को बताइए कि प्रधानमंत्री का जब शुरू होगा, जब रोड शो शुरू होगा, उससे कितने घंटे पहले पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जाती है ताकि लोग आना जाना मेन रोड पर ना करें। ये भी दर्शकों को बताइए कि प्रधानमंत्री का जब रोड शो होता है तो वाहनों का जो कोई रातू रोड से अगर गुजरना चाहते हैं वो किस ओर से जाएंगे, और प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम हो जाएगा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म होगा तो उसके बाद क्या बैरिकेडिंग तुरंत खुलती है या फिर उसमें भी कुछ समय लगता है? जी रत्नेश, देखिए 4:45 में नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर जो है वो OTC ग्राउंड पहुंचेगा। और आपको बता दें कि पूरे शहर में जो है कल ही जो है जिला प्रशासन के द्वारा ये कह दिया गया था, नोटिस जारी कर दिया गया, शहर में 12 बजे के बाद जो है भारी वाहन का प्रवेश जो है वर्जित कर। वहीं अगर बात की जाए तो शाम 4:45 में नरेंद्र मोदी जो है OTC मैदान पहुंचेंगे। वहां से जो उनका काफिला है वो धीरे धीरे रोड शो करते हुए रातू रोड की ओर बढ़ेगा। रातू रोड न्यू मार्केट चौराहा पर रोड शो खत्म होगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो कार्केट है वो अपने वाहन में बैठ के एयरपोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद वो देर रात दिल्ली चले जाएंगे। और आपको बता दें कि रातू रोड से एयरपोर्ट के जो रास्ता है, हरमू चौक की बात की जाए या किशोरगंज, अड़गोड़ा, हिनू चौक या फिर एयरपोर्ट तक सारे रोड को बैरिकेड से रोक दिया गया है। करीब आपको 2 बजे के बाद जो है आप रोड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं सड़क मार्ग से। अगर पैदल की बात की जाए फिर वाहन लेकर तो आप 2 बजे के बाद सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, कल ही जिला प्रशासन के द्वारा कह दिया गया था। रातू रोड का मोड़ से पहले, OTC से पहले तो आपको रिंग रोड के बाद जो है वो शहर में प्रवेश करना अनधिकार प्रवेश जो है कल ही जिला प्रशासन जो है उसका नोटिस जारी कर देना कि शहर में जो है आप 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं कर सकते हैं, 2 बजे पहले जो आपको काम है वो आप काम कर ले। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का रोड शो जो आज रातू रोड में हो रहा है उससे पहले रातू रोड की सभी दुकानें को जो है वो आज दोनों साइड की दुकानें को बंद करा दी गई है। सभी घर में एक घर बीच करके दूसरे घर में जो है वो CRPF के जवान हो या फिर SPG के अधिकारी हो, सारे लोग जो है छत से भी निगरानी रखें क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर कुछ आम पब्लिक है जो पुलिस से देखिए उलझ रहे हैं, रोड को बैरिकेडिंग होने के कारण जो है काफी लोग को नुकसान हो रहा है, काफी लोग का काम जो है वो प्रभावित हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है लगातार उनको समझा रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी का जो है वो कार्यक्रम है इसलिए शहर को बंद कर दिया गया है कल प्रशासन के द्वारा जो है। अब देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन और DSP रैंक के कुछ अधिकारी जो उनको समझा रहे हैं, हालांकि उनको अब पीछे जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और कुछ लोग से जानते हैं कि कितना उन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सर यहाँ फंस गए हैं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकर नहीं है, अभी दूर से आ रहे हैं, पास में घर है, जो पब्लिक को परेशानी हो देख सकते हैं, ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक में कोई नुकसान होगा ऐसा व्यवस्था क्यों काम का? तो आप
आप देख सकते हैं कि ये महिला है, अपने घर जा रही थी और लगातार जो है आक्रोश अपना लोग व्यक्त कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है लोगों को समझा रही है। कल ही जो है पुलिस प्रशासन, रांची जिला प्रशासन लोगों से अपील की थी कि आप जो है रातू रोड का इलाका जो है पूरी तरह से 12 बजे के बाद जो है वो बंद कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी 4:45 में नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो शुरू होगा। 4:45 हालांकि टाइम है, लेकिन रोड शो जो है वो करीब 5 बजे शुरू होगा और 1.5 घंटा का ये रोड शो जो है वो चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रातू रोड का बैरिकेटिंग हो या फिर हरमू रोड से एयरपोर्ट का बैरिकेटिंग हो, वो तमाम रांची वासियों के लिए जो है वो रात 9 बजे के बाद खुलेगा। जब तक नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अंदर नहीं चले जाते हैं तब तक बैरिकेड जो है वो नहीं खोला जाएगा। पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार नरेंद्र मोदी का जब कारकेट पार हो रहा था तो एक महिला जो है अपनी फरियाद लेकर घुस गई थी, नरेंद्र मोदी का काफिला तक पहुंच गई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात नहीं हो पाया था, लेकिन उनका काफिला उनके गाड़ी तक वो पहुंच गई थी। तो पुलिस प्रशासन से ये बहुत बड़ी चूक हुई थी। पुलिस प्रशासन वो गलती को दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ जाएगा। एसपी जी के जो अधिकारी हैं लगातार सुबह से इस रोड में जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर नगर निगम की बात की जाए, फिर अस्थाई जो थाना है सुखदेव नगर या फिर कोतवाली, तमाम लोग जो है इस रोड पर सुबह से जो है यहाँ पर राउंडिंग कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आप इस सड़क में देखेंगे तो पुलिस के सिर्फ वरीय अधिकारी का ही आपको गाड़ी दिखेगा, वरीय अधिकारी ही आपको सड़कों पर दिखेंगे। किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यक्रम है सफल हो जाए, कुछ और लोग हैं हम उनसे जानते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज सामने से देखेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहिएगा भैया? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये माहौल देख के, और आगे भी मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत होगा, जिसके कारण बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात हम लोगों सभी को पसंद है कि विकास हुआ, फ्लाईओवर बना, रोड का निर्माण हुआ, लानी का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अनिल, आपको एक चीज हम बता दें कि रोड का जो निर्माण है, परसों रात में इस रोड जो है पूरी टूटी हुई सड़कों थी, इस रोड से पार होना दुर्लभ था। इस रोड में लबालब जो है वो गड्ढा था, लबालब पानी भरा हुआ रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी का जैसे रांची का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, इस रोड को किस तरह से चमचमा दिया गया है, पता नहीं चल रहा है कि रातों रात इस रोड का विकास हुआ है। वहीं सड़क के दूसरी ओर आप देखेंगे तो रोड जो है वो अभी भी उसी तरह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कारकेट जो है उस रोड से नहीं गुजरेगा, इस रोड से गुजरेगा। जिस रोड से उनका कारकेट गुजरेगा उस रोड को पूरी तरह जो है वो चमका दिया गया है, पूरी तरह से रातू रोड का ये जो विकास है, 2 दिन में विकास रातू रोड का आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए, इससे नरेंद्र मोदी का आगमन रांची में हो रहा है, इससे रातू रोड वासी को जो है काफी उत्साह है, रातू रोड के लोग जो है काफी उत्साह है, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है उत्साहित है, क्योंकि अपने चहेते नेता और अपने चहेते प्रधानमंत्री को आज करीब से देखने का उनको मौका मिलेगा। कल तक जो लोग टीवी पर देखा करते थे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा करते थे, आज वो अपने नरेंद्र मोदी को अभी से मात्र कुछ ही घंटों के बाद करीब से देखेंगे। अपने नेता का एक तस्वीर को कैद करने के लिए सारे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन से अपने मोबाइल पर एक कैसे कवर कर लिया जाए अपने नेता को, सारे लोग उत्साहित है। रातू रोड के वासी जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि अपने नेता को एकदम करीब से आज देखने का एक सुनहरा मौका है। सो होगा और इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सभी और खासकर महिलाएं और लड़कियां काफ़ी संख्या में पहुंचती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं, और जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो हाथ हिलाकर अभिवादन प्रधानमंत्री का करते हैं, स्वागत करते हैं, और पुष्प वर्षा भी कहीं कहीं होती है। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसे अपने मोबाइल पर भी कैद करते हैं। जो आपके आसपास में छोटे छोटे बच्चे भी कुछ नज़र आए, जो काफ़ी उत्सुक चेहरे से ही नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी उत्सुक हैं, वहाँ पर कुछ लोग भी हैं, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो स्टार प्रचारक में बहुत बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जो रांची की धरती पर आ रहे हैं, एक बार फिर लोकसभा चुनाव में आए थे, एक बार फिर उनका आगमन हो रहा है, तो किस तरह से आप स्वागत करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव झारखंड से शुरू से रहा है, और जब नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, जब उनकी सभा होती है, तो लोगों के हुजूम जो है उमड़ पड़ती है। हालांकि ये रोड शो है,
रोड शो में बच्चे हो या फिर बूढ़े हो या फिर युवा हो या फिर युवती हो, सारे लोगों में एक उत्साह है। कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी। आज कौन आ रहे पता है? मोदी जी आ रहे। मोदी जी को कहाँ देखते थे पहले? मोदी जी को पहले प्रधानमंत्री हुए देखते थे। प्रधानमंत्री अभी भी है, पहले टीवी पे देखते थे, आज सामने से देखो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले तो क्या कुछ कहोगे? कहेंगे कि बीजेपी जीतेगा आपकी बार, आपकी बार बीजेपी सरकार। छोटे बच्चे हैं और इसको भी पता है कि आपकी बार बीजेपी सरकार। कुछ और लोग हैं, एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। दीदी क्या नाम हुआ? मेरा खुशबू देवी हुआ, रातू रोड। नरेंद्र मोदी को टीवी पे देखा करते थे, मोबाइल पे देखा करते थे, सामने से देखने का मौका है, बहुत सौभाग्य की बात है। ये सब किस्मत किसी को जल्दी मिलता नहीं कि हमारे रांची रातू रोड से आगमन होगा। और सबसे बड़ी सौभाग्य कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप देख सकते हैं कि नया रोड, नया झंडा, सारा कुछ उनका पोस्टर द्वारा हम लोग स्वागत कर रहे हैं। बस हम लोग कुछ क्षण के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री इसी रोड से गुजरे और हम लोग कोई कसर ना छोड़े, हम लोग स्वागत करें। और यही हम लोग मनाते हैं कि हम लोग हर एक बार मोदी जी आए और हर एक साल मोदी जी रहे और आने वाला पीढ़ी भी मोदी जी रहे, इसलिए मोदी जी का नारा सबसे ऊंचा रहे। एक सवाल है मैडम आपसे कि रातू रोड की सड़कें आज से 3 दिन पहले बिल्कुल पूरी तरह टूटी हुई थी। नरेंद्र मोदी का जैसे कार्यक्रम निर्धारित हुआ कि रांची में वो रोड शो करेंगे ओटीसी से न्यू मार्केट चौक तक, तो ये सड़कों रातों रात बन गया। क्या ये सड़कें जो हैं पहले नहीं बनना चाहिए था? प्रधानमंत्री आएंगे तभी ये सड़कें बने। हाँ, ये चीज तो गलत है क्योंकि बीजेपी की सरकार हमेशा रही, माननीय सीपी सिंह भी थे, जबकि उनको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। हमने भी बहुत सारा बरते भी देखे कि सड़क नहीं बनी है, आज नरेंद्र मोदी जी के आने के व्यवस्था में रातों रात सड़क बन गई। ये चीज तो गलत है, ये चीज को पहले ही करना चाहिए क्योंकि बहुत तरह के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि आज तक कब्रिस्तान वाला रूट आज तक विवादित चल रही है, आज तक सड़क नहीं बन पाई। अब देखिए, अब उनका आगमन हुआ, नया रूट बना है, हो सके कि इसके साथ साथ वो भी रूट बन जाए। और ये चीज चाहेंगे कि वो चीज भी जल्दी हो जाए क्योंकि बहुत तरह की दिक्कत हो रही है उस सड़क से, कब्रिस्तान वाली रूट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जल जमाव एनी टाइम वहाँ पे भरा हुआ रहता है, बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए मोदी जी से आग्रह है कि उस पर भी ध्यान दीजिए, जैसे आपने अभी आने का ध्यान दिया, आने वाला भविष्य में उसमें ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, सड़कें जो हैं मोदी जी के आगमन के बाद जो हैं, जैसे कार्यक्रम निर्धारित हुआ कि मोदी जी का रांची में रोड शो होगा, सड़कें जो हैं रातों रात विकास की ओर बढ़ गई। वहीं हम आपको कुछ और तस्वीर जो है वो दिखाने की प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भी लोग रातू रोड की ओर आना चाहते हैं आज 12 बजे के बाद, वो रिंग रोड के बाद रातू रोड में शहर में प्रवेश ना करें, अन्यथा उनको जो है प्रवेश जो है वो नहीं करने दिया जाएगा, उनको काफी परेशानियां होगी। वहीं अगर बात की जाए तो शाम 4 बजे के बाद जो है वो रातू रोड न्यू मार्केट चौराहा तक एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट के रास्ता जो है वो सारे रोड में बैरिकेड कर दी गई है। सभी गलियां हम आपको स्टेज दिखा रहे हैं कि जहां से नरेंद्र मोदी जी का भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जवान जो है पूरे तैयारियां के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं। सारे जवान को जो है कल ही बता दिया गया था कौन जवान किस जगह पर तैनात रहेंगे, कौन आईएएस अधिकारी जो है वो किस जगह पर तैनात रहेंगे, कौन आईपीएस अधिकारी जो है वो किस जगह पर तैनात रहेंगे। हम अपने दर्शकों को तस्वीर जो है ये सीधी तस्वीर रातू रोड से दिखा रहे हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए रातू रोड जो है किस तरह से तैयार है। जोहार मोदी जी के पोस्टर जो है वो लगाई गई है। 4 कदम थोड़ी दूरी पर जो है नरेंद्र भाजपा महानगर कार्यालय है। लगातार देखिए यहाँ पर सुखदेव नगर थाना प्रभारी की ये गाड़ी है, लगातार ये खुद मॉनिटरिंग करे क्योंकि अस्थायी थाना है ये, सुखदेव नगर थाना का इलाका पड़ता है। आपको बता दें कि 15 TOP और सुखदेव नगर थाना की इसमें सबसे अहम भूमिका होगी क्योंकि 15 TOP से उनका जो कार्यक्रम है, 15 TOP क्षेत्र से कार्यक्रम शुरू होगा। सुखदेव नगर थाना का जो क्षेत्र है वहां तक कार्यक्रम जो है उनका निर्धारित की गई है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से इस मंच से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं नरेंद्र मोदी का यहां से स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में कि साउंड सिस्टम सेट किया गया है। बता दें अपने दर्शकों को कि यहां पर झारखंडी संस्कृति नृत्य जो है वो यहां पर की जाएगी। बसों से जवानों को किस तरह से लाया जा रहा है, फिर से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4000 सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में देख सकते हैं कि रांची के डीसी
रांची के डीसी का ये आप गाड़ी देख रहे हैं कि रांची के डीसी जो है वो यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं और लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। रांची के जितने भी वरीय अधिकारी हैं या फिर जो उनकी सुरक्षा की बात की है तो खुद झारखंड मुख्यालय पुलिस मुख्यालय से जो है सुरक्षा की निगरानी रखी जा रही है। तमाम जगहों पर जो है सीसीटीवी लगाई गई है, पीएम की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो उसको लेकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क के दोनों ओर जो है आपको भाजपा का झंडा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा के रांची के विधायक प्रत्याशी सीपी सिंह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। देखिए आप सिटी एसपी का ये गाड़ी है, आईजी रांची का ये गाड़ी है, सिटी एसपी का आपको गाड़ी दिख रहा हो कि सिटी एसपी का ये गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रहा है। तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी जो है कल से ही इस रोड पर प्रबंध कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानियां जो है वो नहीं हो। लगातार आप देख सकते हैं कि वहीं दूसरी ओर इस रोड को भी जो अभी से थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया जाएगा। इस रोड के अंदर जो लोग रहेंगे वो अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। और लेकिन आपको बता दें कि ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, बैरिकेड के उस पार जो है यहाँ के स्थानीय हो या फिर भाजपा कार्यकर्ता हो इसके अंदर होंगे और उसके अंदर से अपने नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हालांकि जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं रांची या फिर कहीं पर पहुंचते हैं तो लोगों में एक गजब सा उत्साह देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा जो है वो पैदा होती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो रांची में रोड शो कर रहे हैं। और फिर से बता दें कि पिछली बार जब 2019 का विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ था तो रातू रोड जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा जो है कभी भी यहाँ पीछे नहीं, क्योंकि सारे लोग जो है यहाँ पर भाजपा के वोटर है, भाजपा रातू रोड को वोट बैंक मानती है। लेकिन पिछले बार सबसे कम अगर वोट पड़े थे सीपी सिंह को तो रातू रोड से ही कम पड़े थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी थी महुआ मांझी उनको सबसे अधिक वोट मिले थे। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य जिनको कहा जाता है अमित शाह जो है वो चुटिया में उनको रोड शो करना पड़ा था। चुटिया भी भाजपा का जो है वो गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर भी उनको रोड शो करना पड़ा था। कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कमजोर हुई है, तो वहां पर ऐसे दिग्गज को उतार रही है कि वहां पर किस तरह से भाजपा चाहती है कि हम मजबूत हो। लगातार आप देख सकते हैं कि कोई भी वाहन जो है नहीं इस रोड से गुजर रहा है, लोग अभी भी पैदल जो है गुजर रहे हैं। हालांकि जो पैदल गुजर रहे हैं उनको भी 12 बजे के बाद इस सड़क पर रोक दिया जाएगा। इस सड़क पर सिर्फ आपको एसपी जी और पुलिस के वरीय अधिकारी जो है आपको तैनात दिखेंगे। लगातार सिटी एसपी हो या फिर एसएसपी रांची की बात की जाए, लगातार सभी लोग इस सड़कों पर तैनात है। आप देखिए पीछे मेरे तस्वीरों में एसपी जी जी रांची की, एसपी रांची की जो गाड़ी है वो आ रही है। सिटी एसपी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में अपने मेरे दर्शक को भी, सिटी एसपी जो है यहाँ पर खुद सड़क पर खड़े हैं। एसपी ट्रैफिक की वाहन आपको दिख रही होगी, वर्ज्य वाहन आपको दिख रही होगी, जितने भी आज वाहन है पुलिस अधिकारी की सुरक्षा में जितनी भी गाड़ियां रहती है वो आपको दिख रही होगी। पीएम की गाड़ी या जिस गाड़ी में सवार होंगे, कल ही उस गाड़ी का रिहर्सल किया गया था। सीआरपीएफ के जवान है, देख सकते हैं किस तरह से इनको अपने अपने स्थान पर अब जो है वो भेजा जा रहा है। लगातार रांची के जो सिटी एसपी हैं राजकुमार मेहता वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस ओर आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ पुलिस प्रशासन ही आपको दिख रहा होगा। रांची के वरीय पुलिस अधिकारी के अलावा झारखंड पुलिस मुख्यालय सुखदेव नगर थाना प्रभारी आपको दिख रहे होंगे। सुखदेव नगर थाना प्रभारी भी जो है इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि पीएम का सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, क्योंकि स्थानीय थाना पर सबसे बड़ा वजन जो रहता है वो स्थानीय थाना पर रहता है। स्थानीय थाना जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा को लेकर वैसे पुलिसकर्मी है जिनको वाकई में छुट्टी की जरूरत थी, उनकी भी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है। लगातार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है इस सड़क पर 3 किलोमीटर का ये दायरा है, हालांकि 3 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन नरेंद्र मोदी 9 किलोमीटर इस सड़क से गुजरेंगे, 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। उसके बाद जो है 6 किलोमीटर रातू रोड न्यू मार्केट चौराहा से एयरपोर्ट तक जो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो वाहन में बैठ कर जाएंगे। और फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी लोग शहर में प्रवेश करना चाहते हैं वो 12 बजे के बाद शहर में प्रवेश ना करेंगे, क्योंकि रिंग रोड से जो है आपको बैरिकेडिंग लगाकर वहां पर रोक दिया गया है। आप अगर बाहर जाना है तो रिंग रोड होते हुए आप टाटी सिल्वे नामकुम पकड़ के आप जा सकते हैं, शहर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शहर आपको पूरी तरह से जो है ट्रैफिक में बदलाव किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। पीएम का आगमन को लेकर पूरी व्यवस्था
हम कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ हॉस्टल के छात्र हैं, इस हॉस्टल में रहते हैं। आज अपने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को सामने से देखेंगे। आप लोग एक छात्र हैं, कैसा लग रहा है, कितने उत्साह हैं? ये उत्साह तो बहुत है, कभी देखे नहीं है सामने से, फर्स्ट टाइम होगा कि हम लोग देखेंगे और उसी का वेट कर रहे हैं कि वो देखते हैं कब आते हैं। अगर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला या बात करने का मौका मिला तो क्या कुछ कहेंगे अपने प्रधानमंत्री को? विशेषकर तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो बेरोजगारी पर ध्यान दें, खासकर युवाओं के लिए। हम खुद है जो बेरोजगार ही है, अभी रोजगार के ही क्लास में है। चलिए, बेरोजगारी जो है वो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो भी सरकार बनती है उसको बेरोजगारी पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि घरों में भी पुलिस प्रशासन जो है छत पर तैनात किए गए हैं, छत से जो है वो निगरानी रखा जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा यहाँ पर, तो लोगों में गजब सा उत्साह, गजब सा एक ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपको चेकिंग गेट होता है वो लगाई गई है। देखिए, बसों में भर भर कर जवानों को यहाँ पर लाया जा रहा है पुलिस लाइन से। और आपको बता दें कि मीडिया कवरेज के लिए भी यहाँ पर पास जो है वो निर्धारित की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। पास निर्गत के होगा तभी आप मीडिया कवरेज भी जो है नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दिखा सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। कल ही जो है जिला प्रशासन द्वारा ये भी नोटिस जारी कर दिया गया था, जो भी मीडिया कर्मी जो है वो कवरेज करना चाहते हैं प्रधानमंत्री का, वो पास जो है वो निर्गत करा ली जाए। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जो है मंचों पर पहुंच रहे हैं। हम कुछ भाजपा के कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, भाजपा के कार्यकर्ता में कितना ऊर्जा जो है ऊर्जा आज देखने को मिलेगा। देखिए, इस रोड को अभी से ही बैरिकेड जो है वो कर दी गई है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे। और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सर प्रधानमंत्री का आज रांची में आगमन हो रहा है, कितनी ऊर्जा मिलेगी आप लोग? भरपूर ऊर्जा मिलेगी। ऐसे तो हम लोग रांची को पिछले 33 वर्षों से जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे और इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और 50,000 मत मिनिमम हम लोग जीतने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के आने से जो भी कमी बेसी थी वो सारी पूरी हो जाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। पिछले बार 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है रातू रोड, लेकिन सबसे कम मत जो है रातू रोड से पड़ा था। देखिए, पिछले बार जो भी चूक हुई वो हम इस बार नहीं होने देंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में हमने 33,000 से लीड दी है रातू रोड से। सुखदेव नगर मंडल ने हमारे 33,000 वोटों से लीड दी है, इसलिए ये कमी बेसी अब नहीं होगी। हम लोग 33,000 से ज्यादा से लीड रातू रोड से देने जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां है यहाँ पर? यहाँ पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ फूलों की वर्षा हम करेंगे और सिख समाज की तरफ से उनका अभिवादन किया जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर के लिए उनका हम लोग धन्यवाद देंगे, वीर बाल दिवस के लिए धन्यवाद देंगे सिख समाज की तरफ से। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहां से फूलों की वर्षा जो है वो की जाएगी, सिख समाज के द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाएगा। और आपको बता दें कि सिख समुदाय जो है यहां पर सुबह से तैनात है लगातार। आप देख सकते हैं कि अब पोस्टर भी सिख समाज का जो है वो लगने लगा नानक सत्संग सभा का। अनिल, आपको हम एक चीज और बता दें कि रातू रोड का ये जो इलाका है काफी अहम आज प्रधानमंत्री का रोड शो से माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो रातू रोड जो है काफी अच्छा मत जो है भाजपा के पक्ष में किया था। और जिस तरह से पिछली बार सीपी सिंह 5,200 कुछ वोटों से जीते थे और इस बार इन लोग चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो करा के 50,000 के अंतर से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी महुआ मांझी को हरा और सीपी सिंह 50,000 के मतों से यहाँ से विजयी हासिल हो। अनिल, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जो आप दिखाए कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, लोगों से बातचीत की है, बीजेपी नेताओं से बातचीत की आपने, और तमाम हम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे और 4 बजे के बाद जो रोड शो होगा उसे हम दर्शकों को भी लगातार दिखाएंगे। हम तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को हम ये बता दें कि कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद
बोकारो जाएंगे, बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरह से कितने बजे तक कितने बजे कार्यक्रम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे। 12:45 में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर बोकारो हेलीपैड पर उतरेगा और दोपहर 1:45 में चंदन क्यारी विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे वहां। इसके बाद 1:55 में बोकारो से गुमला के लिए रवाना हो जाएंगे। उस अपराहन 3:05 की बात कर रहे हैं हम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गुमला में लैंड करेगा और गुमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर बता दें कि 13 नवंबर को मतदान है पहले चरण का, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। इसलिए पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और कुछ ही एक दो दिन ही हैं। आज अगर रोड शो है, अगर जनसभा है, तो उसके बाद फिर डोर टू डोर कैंपेन की भी शुरू करेंगे, जो जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि उसके बाद गुमला के जनसभा के बाद 4:15 में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम में 4:55 में रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। और कहां से शुरू होगा बता दें, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम भी सामने आ गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी OTC ग्राउंड से रातू रोड चौराहे तक करीब 2.5 किलोमीटर रोड शो करेंगे। अब प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है, भारी संख्या में लाखों लोग पहुंचेंगे। रोड शो को लेकर रातू रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। हमारे संवाददाता रत्नेश से हम बातचीत किए और आप लोगों को दिखाए कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल गया है ये रातू रोड इलाका, और कहा जाए कि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था इतनी है कि परिंदा भी पर न मार सके। रातू रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई। बिस्का मोड़ स्थित OTC ग्राउंड से 4:55 की बात कर रहे हैं। रोड शो शुरू होने के बाद करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो चलेगा। अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 OTC ग्राउंड से लेकर रातू रोड चौराहे तक रोड शो करेंगे और इस दौरान व्यापक तैयारियां हैं BJP की ओर से, और कहीं कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, झारखंडी नृत्य और गान भी बीच बीच में जगह जगह पर बनाए गए हैं। वो स्टेज वहाँ से भी स्वागत किया जाएगा। फूलों की बरसात होगी। लोग हाथ हिला के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये पूरे इलाके को सुरक्षा के मद्देनज़र इसका व्यापक इंतजाम किया गया है। खास तौर से देखिए बात करें, खास तौर से ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है, और जिस कारण फ्लाईओवर और इलाके की ऊंची इमारतों पर भी पुलिसकर्मियों की पैनी निगाहें होगी। पुलिसकर्मियों को ऊंची इमारतों में भी रखा गया है, जहाँ से वो पैनी निगाह रखेंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी व्यापक तैयारियाँ की गई है। 19 IPS के साथ कई DSP और 4000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए हैं, वो लगातार हम आप लोगों को दिखाए। और रांची में प्रधानमंत्री का रोड शो का जो कार्यक्रम है, इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग और ग्राउंड लेवल निरीक्षण भी अधिकारियों ने किया है। कल ही निरीक्षण किया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री किस तरह से जाएंगे और कैसे वो आएंगे, इसकी भी निरीक्षण किया गया। जबकि रांची, गुमला और बोकारो में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी जगहों पर सीनियर IPS अफसर को नोडल अफसर बनाया गया है। वहीं SPG भी इसे लेकर सुरक्षा के मद्देनज़र कई दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दे रहे हैं, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही न हो। बता दें कि BJP के सभी वरिष्ठ नेता भी रोड शो में हिस्सा लेंगे। रोड शो की शानदार सफलता सुनिश्चित करने के लिए BJP ने कई अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को जोड़ना, पार्टी के एजेंडों को बढ़ावा देना और अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करना है। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। पूरे रोड शो के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मेगा इवेंट में लाखों लोग यहां पर आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये बता दें,
निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है आपको बता रहे हैं बोकारो, चंदन क्यारी और गुमला में है, और उसके बाद रोड शो की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एक तरह से गजब का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है। दूर दराज से भी लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को देखेंगे। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, और हम लगातार ये भी बताए हैं कि 12 बजे के बाद आवागमन में थोड़ी परेशानियां ज़रूर होगी। भारी वाहनों को तो बंद ही कर दिया गया है कि और सभी अलग अलग जो गलियां हैं, जो कट्स हैं, उसे भी बंद किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से परेशानियां जो परेशानी हो रही है लोगों को वो रूट चेंज कर, रूट बदल कर गंतव्य तक पहुँचे। और ख़ासकर ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। हम लगातार आपको अपडेट्स कराते रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।